प्यार से जुगनू कहलाने वाले भगवंत मान किसी दिन ऐसे चमकेंगे किसने सोचा था। हमेशा से पंजाब के लिए कुछ करने की चाह उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी से राजनीति में ले ही आई। हालांकि इस इच्छा के चलते उनका पारिवारिक जीवन कुछ उथल पुथल ही रहा, लेकिन दिन ब दिन राजनीतिक सक्रियता बढ़ती ही चली गई और आज आलम यह है कि वे पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल संभालने वाले हैं। पंजाब के लोगों को बेशक ही भगवंत मान अपने बीच से निकला हुआ एक आम नागरिक ही लगा होगा, क्योंकि लोगों ने उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा है और उनके पंच लाइनों पर जरूर गौर भी किया होगा। वे हमेशा मजेदार हाव भाव के साथ राजनीति और राजनेताओं पर तंज कसते रहते थे और उनका यही अंदाज लोगों को पसंद आया, जिसके चलते राजनीति में कदम रखने पर तो लोगों ने उन्हें सर पर ही बिठा लिया। हालांकि मान का नाम बहुत से विवादों और चर्चाओं में भी रहा, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार ये देखा गया है कि मान नशे के आदी थे, जिसके चलते एक बार सांसदों ने उन पर शराब के नशे में संसद सत्र में हिस्सा लेने का आरोप भी लगाया था। बात इतनी गंभीर हो चली थी कि उन्हें लोगों के सामने कभी शराब न छूने की कसम तक खानी पड़ गई थी। भगवंत मान के राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो मान शुरू से ही आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं, बल्कि राजनीति पारी की शुरुआत उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी। वो साल 2012 में लहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन असफल रहे। फिर वे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। उन्होंने भगवंत की लीडरशिप, काम और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें पंजाब में पार्टी का स्टेट चीफ बना दिया था और अब उन्होंने इस भरोसे पर खरे उतरते हुए पंजाब की सियासत भी अपने नाम कर ली है। बतौर कॉमेडियन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कपिल शर्मा के साथ नजर आ चुके और कई फिल्मों में भी काम कर चुके भगवंत मान की एंटरटेनमेंट जगत में लोकप्रियता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन क्या वे इस लोकप्रियता को बतौर मुख्यमंत्री भी पंजाब में जीत पाएंगे या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल रहेगा।